हम सब जानते हैं कि 11 दिसंबर 2014 को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की इस प्राचीन विधा को वैश्विक मान्यता देते हुए 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने के लिए अपनी सहमति दी थी। 21 जून की तिथि 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और यह तिथि आज केवल अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय नहीं बल्कि एक योग दिवस के रूप में इस पूरी दुनिया के अंदर लोग इस दिवस को मना रहे हैं। हम अगर यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या को देखें तो यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। वे सभी 193 देश जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा या किसी भी अन्य पूर्वाग्रह से ऊपर उठ करके उन्होंने भारत की इस प्राचीन विधा को स्वीकार किया है, क्योंकि योग अपने आप को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। यह विधा न केवल हमें निरोग बनाती है अभी तो आध्यात्मिक उन्नयन के माध्यम से इस चराचर जगत के उन सभी रहस्यों को उद्घाटन करने का एक अवसर भी हम सबको प्रदान करता है जिन्हें हम सामान्य रूप से अपने स्थूल चक्षुओं से देखने में असमर्थ होते हैं। और इसलिए मैं आज पंचम योग दिवस के अवसर पर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्हें अभी हाल ही में हुए देश के आम चुनाव में इस देश की जनता ने एक बार पुनः यशस्वी नायक के रूप में भारी समर्थन देकर के विजयी बनाया है, उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारत की ऋषि परंपरा के प्रसाद को आम जन तक पहुंचाने में जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और भारतीय आस्था को वैश्विक मंचों पर एक नई पहचान दिलाने का कार्य किया है, उस परंपरा में आज पंचम योग दिवस हम सबके सामने है। मैं आभारी हूं आदरणीय राज्यपाल महोदय का जिन्होंने विगत वर्ष से योग दिवस के इस कार्यक्रम को राजभवन के इस प्रांगण में करने की सहर्ष न केवल स्वीकृति दी अभी तो स्वयं भी सक्रिय भागीदारी के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इसे एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने में अपना योगदान दिया। ये हमारा सौभाग्य है 2017 में इस कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सहभागी बने थे। 2018 से हम लोगों ने यह कार्यक्रम राजभवन के प्रांगण में मनाना प्रारंभ किया है और इस वर्ष पुनः राज्यपाल महोदय के सानिध्य में यह कार्यक्रम राजभवन के ही इस ऐतिहासिक प्रांगण में आज यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर राज्यपाल महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। रचनात्मक सहयोग आप सबका निरंतर प्राप्त होगा। आप सबको हृदय से बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।